तो ये वाला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चे, ये वाला क्वेश्चन अक्सर जो है डाउट में लेके आते हैं बच्चे, क्योंकि उनको थोड़ा बहुत दिक्कत आता है इस क्वेश्चन में, और ये एक नीट में एक अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है। तो अच्छे क्वेश्चन बच्चे क्या करते हैं जनरली, खुद ही ट्राई करना चाहिए, पर फिर भी चलो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इन द गिवन इंसिडेंट रे द कॉम्बाइंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ द रिक्वायर्ड सरफेस रिफ्रेक्टिव मटेरियल द कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पे हो रहा है कौन से सरफेस पे, यहाँ से दो सरफेस है, ये जो सरफेस है ये हॉरिजेंटल वाला, ये जो सरफेस है ये हॉरिजेंटल है, यहाँ टी आई आर नहीं होगा, इस वाले वर्टिकल वाले सरफेस पे, ये जो सरफेस पे, यहाँ से टी आई आर होने के लिए लाइट रे ऐसे आ रही, ये एंगल यहाँ पे ऐसे आ रही है, इसी मीडियम में मुड़ गई, तो टी आई आर होने के लिए इसका म्यू कितना होना चाहिए, जो कि 45 डिग्री पे पड़ी थी। तो यहाँ एक अच्छा सा डायग्राम मैं बनाता हूँ, ये हॉरिजेंटल सरफेस पे यहाँ से पड़ी थी, दिस इज़ द ग्लास स्लैब, और ये लाइट रे यहाँ से आ रही थी, जो कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस एंगल इज़ 45 डिग्री, तो ये जो है वो 45 डिग्री पे पड़ी थी, नॉर्मल है, तो नॉर्मल से यहाँ से ये एंगल थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे यहाँ पे इंसिडेंट हुई थी। तो अगर ये आप यहाँ से इंसिडेंट हुई तो इट विल गो टुवार्ड द नॉर्मल, ऐसे आएगी। अब इस फेस पे रिफ्रैक्शन नहीं कराना, इस जो वर्टिकल वाला सरफेस है दिस इज ए बी सरफेस, तो ए बी सरफेस पे हमें टी आई आर कराना है, तो कुछ ऐसे जाएगी। तो ये एंगल अगर आर है और ये एंगल कुछ अल्फ़ा है, ठीक है ना, तो ये एंगल भी कुछ अल्फ़ा होगा, क्योंकि टी आई आर हो रहा है यहाँ, टी यहाँ से टी आई आर हो रहा है, टोटल इंटरनल, तो ये कह रहा है कि म्यू, इसका म्यू निकालो डेंसर से रेयर, तो ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्यू है, ठीक ना, तो दो पॉइंट अपने पास पी एन क्यू, तो एक काम करते हैं इन दोनों पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं और उसे अपना क्वेश्चन बन जाएगा। तो एट पॉइंट क्यू पर देखो स्नेल्स लॉ लगाओगे, तो स्नेल्स लॉ 1 × sin 45, ठीक है ना, म्यू आर का प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट रहता है, स्नेल्स लॉ कैसे लगाते हैं, म्यू आर का प्रोडक्ट क्या होता है, म्यू साइन थीटा का प्रोडक्ट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जिस एंगल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस एंगल का रिफ्रैक्टिव उस एंगल का एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहाँ से इस पे पॉइंट क्यू पर ही दूसरे मीडियम में लगाओगे तो साइन आर और दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, यहाँ से मुझे साइन आर की वैल्यू पता चली जाएगी, 1 / √2 म्यू के इक्वल आ जाएगी, दिस इज़ द इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये वाला। अब पी पॉइंट पे अगर आ जाओगे तो अगर टी आई आर होना है तो अल्फ़ा मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल आई सी या थीटा सी, मतलब साइन अल्फ़ा की जो वैल्यू है मस्ट बी ग्रेटर देन या एटलीस्ट इक्वल टू साइन आई सी क्रिटिकल एंगल, और साइन अल्फ़ा की जो वैल्यू है मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल की जो वैल्यू होती है वो 1 / μ साइन सॉरी साइन आई सी 1 / μ के इक्वल होती है। अब यहाँ से जो अल्फ़ा है उसको आर के टर्म में लिखूँगा, तो यहाँ पे ये जो छोटा वाला ट्रायंगल बना है ये, ठीक है ना, ये जो ट्रायंगल बना हुआ है ये वाला ट्रायंगल तुम देख रहे हो, ये राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज़ द राइट एंगल ट्रायंगल, इस राइट एंगल ट्रायंगल में तुम देखोगे तो अल्फ़ा प्लस आर की वैल्यू 90 के इक्वल है, तो यहाँ से जो अल्फ़ा है वो 90 - r के इक्वल आ जाएगा। तो अगर मैं इसका इस यहाँ पे यूज करता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या मतलब होगा, तो यहाँ से एक मिनट, हाँ यहाँ से तुम साइन साइन अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से लिख सकते हो 90 - r मस्ट ग्रेटर इक्वल टू 1 / μ, तो यहाँ से साइन मतलब कॉस यहाँ से आर के इक्वल हो जाएगा, कॉस मस्ट बी ग्रेटर 1 / μ, और कॉस अगर फर्दर इसको मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ से कॉस कॉस आर को मैं 1 / sin² r अंडर रूट लिख सकता हूँ, तो मस्ट बी ग्रेटर देन 1 / μ, तो यहाँ से 1 - sin² r, साइन स्क्वायर मतलब 1 / यहाँ से 2 μ² और ये अंडर रूट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 / μ।
अब 1 माइनस 1 अपॉन 2 μ² मस्ट बी ग्रेटर 1 अपॉन म्यू का होल स्क्वायर। तो अगर इसको फर्दर मैं सॉल्व करूँगा तो 1 इधर बचेगा, मस्ट बी ग्रेटर द इक्वल 1 अपॉन म्यू का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन यहाँ से 2 μ² 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ तो 1 मस्ट बी ग्रेटर देन यहाँ से 3 2 टाइम्स म्यू स्क्वायर। तो जो म्यू की वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बाई यहाँ से 3 बाई यहाँ से 3/2 अंडर रूट। तो म्यू की वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3/2 अंडर रूट। तो ये अपना म्यू इतना होना चाहिए TIR होने के लिए। तो अब देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो इस हिसाब से अपना जो है सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाता है।